आपके घर में, आपके जमीन का, आपके मकान का, इस तरह का जमीन का जो है वो रसीद जरूर होगा। अगर आपके पास कहीं पर भी घर में ऐसा जमीन का मालगुजारी रसीद जो है कभी भी आपको मिला है, हो सकता है कि दादा के समय का होगा, परदादा के समय का भी हो सकता है, यानी पिता भी ऐसा जो जमीन का रसीद है वो कटाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो मालगुजारी जमीन रसीद है उसका मान्यता को खत्म कर दिया। यानी अगर आपकी ये जमीन है और इस जमीन का, यानी जो जमीन है, हो सकता है यहां पर आपका मकान भी बना हुआ है, आप इसमें रहते हैं, इन दोनों का आप रसीद पहले कटाते थे, अगर आपके पास ये रसीद है तो इसका कोई मान्यता नहीं है। यानी अगर इसको लेकर आप जाएंगे तो मान्यता नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि इसका मान्यता खत्म हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? ये कह रहे मुझे तो लग गया बड़ा झटका, अब मैं क्या करूं? इनके लिए क्या विकल्प है? क्या ये फैसला जो है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जो जमीन रसीद के मान्यता को खत्म कर दिया, तो क्या अब आपको जमीन का रसीद नहीं कटाना पड़ेगा? यानी अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो ये नहीं, अब ऑनलाइन ऑनलाइन जो जमीन रसीद है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सारा कुछ, आपका जो डिटेल है वो मौजूद है और आपके पास अभी वर्तमान में जो जमीन का रसीद है वो ऑनलाइन है, क्या ऑनलाइन का भी मान्यता खत्म हो गया? सबसे पहले देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि महज दाखिल खारिज से जो मालिकाना हक है वो नहीं मिलता है, यानी संपत्ति पर जो है मालिकाना हक, यानी आपका दाखिल खारिज से नहीं मिलता है। यानी अब किसी भी जमीन का, ये जो जमीन है इसका अगर आप दाखिल खारिज कराते हैं तो किस लिए कराते हैं दाखिल खारिज? ताकि आप मालगुजारी रसीद जो है वो कटा सकें। दाखिल खारिज के बाद आपको क्या मिलता है? वो मिलता है मालगुजारी रसीद और आप देते हैं सरकार को राजस्व। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसको लेकर अगर कोई भी मेरे पास आएगा और ये कहेगा कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो ये नहीं हो सकता है। यानी सिर्फ दाखिल खारिज आप करा लिए हैं और आप कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो ये नहीं होगा, इसलिए कि ये दाखिल खारिज जो है, मालगुजारी रसीद जो है, यानी ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया है, यानी इससे कहीं पर भी इस रसीद के आधार पर ये साबित होता ही नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। यानी अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो आप रसीद के आधार पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जमीन का कोई रसीद कटा भी लिया है तो आप जो आगे की प्रक्रिया है उसको एक तरह से करके रद्द करवा सकते हैं। यानी जमीन का रसीद अगर कोई कटा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कानूनी तौर पर कि वो प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। लेकिन अब यहां पर देखें कि जमीन रसीद के साथ साथ उसके पास ऐसा प्रूफ है, अगर किसी के पास ये जमीन रसीद भी है, अब ये जमीन रसीद कटा कैसे वो भी ये साबित करने को तैयार है। अब ये जमीन रसीद उसी का कटेगा जिसके पास जमीन का खतियान रहेगा, जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री रहेगी, यानी आप कह सकते हैं जिसके पास केवाला हो, बैनामा हो, जिसके पास अन्य कोई दस्तावेज हो, तभी तो ये रसीद कटेगा। अन्यथा ये रसीद अगर कोई कटा लिया है तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, यानी महज दाखिल खारिज से आप प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते, आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको इसके जो कागजात हैं वो दिखाने होंगे, आपको ये दिखाना होगा कि ये जमीन जो है आपको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे ये जमीन आपको मिला। बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या ये रसीद की बात हो रही है या मेरा तो ऑनलाइन सारा कुछ शो कर रहा है। देखें वर्तमान में ये प्रक्रिया ऑफलाइन का बहुत सारे राज्यों में बंद हो चुका है, यानी अब जो भी कार्य हो रहा है, अब जो सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं वो ऑनलाइन आप जमा करते हैं,
यानी जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स है वो सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता है। यानी सरकार को पैसा टैक्स भी भरेंगे वो भी ऑनलाइन भरेंगे, तो ये तो मिलता ही नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसका तो कोई मान्यता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके जमीन का कोई ऑनलाइन रसीद भी कटा लिया, यानी उसके पास जो रसीद है वो ऑनलाइन है, तो भी वो मान्य नहीं होगा। यानी वो ऑनलाइन कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, आखिर उसको ऑनलाइन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये सारा प्रूफ दिखाना होगा। यानी ये सारा प्रूफ दिखाने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए प्रॉपर उसके पास कागजात होने चाहिए। अगर उसके पास कागजात नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो फिर यानी जमीन रसीद के आधार पर वो संपत्ति का, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। अब एक बड़ा सवाल, अगर कभी भी भूमि सर्वेक्षण अगर किया जाएगा तो क्या होगा? यानी अगर किसी के पास जो है जमीन का रसीद है तो क्या वो भूमि सर्वेक्षण करा पाएगा? तो उसका जवाब है नहीं, इसलिए कि जिसके पास इसका कागजात होगा और आपके पास इसका सिर्फ रसीद है, तो ये रसीद को कभी भी वो रद्द करवा सकता है। इसीलिए कि ये रसीद तभी उसका कटेगा जब उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे ये साबित होता है कि प्रॉपर्टी उसकी है। जैसे जमीन का केवाला हो जाए, जमीन अगर मान लेते हैं उसको बंदोबस्त से प्राप्त हुआ है तो बंदोबस्त का कागजात हो जाए, जमीन अगर का उसको पर्चा से प्राप्त हुआ है तो पर्चा हो, ये सभी दस्तावेज के आधार पर ही कोई प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। अन्यथा जो है जब मामला कभी भी कोर्ट में जाएगा तो ये रसीद को जो कि अवैध है इसको रद्द कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर ये सोच रहा है, इनको भी जो बड़ा झटका लगा है, इनके पास क्या था, सिर्फ रसीद था, और रसीद के को देखते के बाद जो है इनको लगता था कि जमीन का रसीद तो हम कटा लिए, यानी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम शो कर रहा है, जमीन मेरे कब्जे में है। लेकिन इनके रसीद को कोई भी कभी भी रद्द करवा सकता है। इसीलिए यानी प्रॉपर्टी जो है अगर आप खरीदते हैं या जो भी करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो प्रॉपर दस्तावेज है वो होने चाहिए। यानी पहले के लोग क्या करते थे, जमीन को खरीदते थे और जो है यानी वो स्टाम्प पर लिखा कर किसी तरीके से जुगाड़ से कहें जैसे कहें वो क्या करते थे, जमीन को आप यानी जमीन का रसीद कटवा लेते थे, बाद में उसको ऑनलाइन भी करवा लिए। लेकिन उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनके पास है, प्रॉपर्टी का टाइटल उनके पास है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।